जाके नहाई करके तो कपड़े चेंज करने हैं, सही है? नहीं कर। हाँ नहाई करके राकाशी, अभी बाल कटवाने के बाद नहाई करके मेरा सोना तैयार हो गया। अभी अभी मेकअप करना है आपने? अच्छा बस पहले क्या लगाना है, क्रीम? चलो देखिए जी, अभी मेरा साथ तैयार हो रहा है। ये कहता है कि मैंने क्रीम खुद ही लगानी है। आए हैं, आए हैं। अच्छा ये क्या कर दी है? एक मिनट, सबर करो। फादी आप मुझे भी लगा रहा है। फादी कह रहा था कि मैंने ना पापा को भी क्रीम लगा रही है। चलो लगा दो। वही डर गए। अब बस बस अब और नहीं लगानी। A few moments later. आज के व्लॉग में जनाब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी बाइक की ट्रीटमेंट, क्योंकि आज हम इसको लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। काफी ज्यादा काम जो है ना इसका जनाब वो होने वाला है। अभी आपको पहले दिखाते हैं कि इसका कौन कौन सा काम जो है ना वो होने वाला है, फिर हम आपके साथ इंशाल्लाह अगला सारा टूर जो है ना वो शेयर करेंगे। तो भाई साहब ये देख रहे हैं आपके सबसे पहले तो इसके ये दोनों इशारे हैं ना ये टूट चुके हुए हैं। उसके बाद इसके इंजन का जो है ना वो काम होने वाला है। उसके बाद इसका ये जो स्टैंड है ना जनाब, ये स्टैंड भी टूट चुका है। इसको मतलब इस स्टैंड पे खड़ा करें तो मोटरसाइकिल जो है ना वो गिर जाता है, तो इसलिए इसको फिर हमें डबल स्टैंड पे जो है ना वो खड़ा करना पड़ता है। तो इस तरह के मतलब छोटे छोटे काम जो है ना, उसके बाद मेन जो हमारे पास काम है ना जनाब जिसके लिए हम स्पेशल जा रहे हैं वो है इसके मतलब टायर जो है ना वो चेंज करना है, क्योंकि ये टायर जो है ना ये ख़त्म हो चुका हुआ है, एक्सपायर हो चुका हुआ है। बार बार पंचर जो है ना वो मतलब साफ सड़क पे भी पंचर हो जाता है। सबसे पहले हम इसको लेकर जाएंगे सर्विस स्टेशन पे, ठीक है? इसकी एक दफ़ा सर्विस करवाएंगे, इसको एक दफ़ा सही नीट एंड क्लीन करके तो फिर हम इंशाल्लाह हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। तो अभी जनाब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अहमदनगर चट्ठा सर्विस स्टेशन पे, ठीक है? देख रहे हैं कि पीछे हमारी बाइक जो है ना वो मोटा मोटा जो एस्टीमेट ला के कम दसा ना क्या कम होना भाई 18,000 रुपया। तो भाई साहब ये फिल्टर आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ खाली ये जब फोम है ना ये 1200 रुपये का है, ठीक है? आप महंगाई का अंदाज़ा लगा ले कभी कितनी होगी। अभी इसका काम करवाने का इरादा था काफ़ी सारा, इसके इंजन का भी काम करवाना था, लेकिन अभी वो भाई साहब प्रोग्राम जो है ना वो कैंसिल कर दिया। अभी छोटा छोटा काम जो है ना वो करवा देते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 20,000 के करीब करीब जो है ना वो बन जाता था। अभी इतनी गुंजाइश नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आधा आधी करवा लेते हैं, आधा फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना वो करवाएंगे। अभी ये भी चेंज होगा यहाँ से, ये क्योंकि ये कचरा देख रहे हैं ना अभी इसके अंदर से निकला है, तो वो भाई कह रहे थे कि ये जो है ना ख़राब हो चुका हुआ है। रस्ते में हम जब आ रहे थे ना तो पिछला टायर जो है ना वो भी थोड़ी गड़बड़ कर रहा था, तो अभी जब यहाँ पर आए उन्होंने खोला है तो फिर पता चला कि भाई साहब उसके अंदर जो हब होती है ना वो भी ख़राब हो चुकी, टूट चुकी है। तो अभी यही एस्टीमेट लगा रहे हैं हम, देख रहे हैं कि अभी ये थोड़े थोड़े जो काम है ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ना खर्चा हमारा बन जाएगा, लेकिन अभी करवाना तो है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जो है ना इंजन का जो काम है क्या वो भी मेन काम ही आता है, लेकिन इंजन का काम जो है एक महीना तकरीबन ठहर के जो है ना फिर वो करवाएंगे इंशाल्लाह। चलो पूछो ना हमला। तो अभी जनाब इस वक्त सीन ना कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा है और भूख जो है ना वो भी काफी सारी लग गई है, तो अपना बाइक का काम जो है ना वो थोड़ा लंबा हो गया हुआ है। तो बिशारत भाई भी देख रहे थे कि इधर नजदीक तरीन कहीं पर अगर कुछ चावलों वाला मिल जाए ना तो हम चलो कम अज कम चावल ही खा लें, लेकिन अभी भूख बहुत शिद्दत की लग गई हुई है, तो देखिए अभी क्या बनता है। ये जनाब अभी ना ये खोखे वाले से पूछा है तो उन्होंने बताया कि ये सामने ये जो आपको ट्रक नज़र आ रहे हैं ना भाई साहब, ठीक है यहाँ पर है ट्रक, ट्रकों वालों का जो है ना वो रेस्टोरेंट। तो
आलू मटर, हाँ चने की दाल और मांस की दाल, सलाद और साथ में रोटी। 20 मिनट्स लेटर। और ये जनाब टायर आया हमारा, ठीक है, जो कि तकरीबन 3 घंटे के बाद जो है ना वो हमें फिर देखना नसीब हुआ। और ये कुछ नया जो है ना इसके अंदर डाला गया है, अभी ये हब जो है ना ये सारी क्रैक हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। टाइम भी हमारा देखिए अभी 4 बजे जनाब, 12 बजे के यहाँ पर आए हुए हैं। ₹9,120 तो चलिए, बाकी सारी डिटेल जो है ना इसकी वो इंशाल्लाह हम गांव पहुंच गए तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो हमने डाली हैं इसमें। जनाब इसके ये दोनों इशारे ये रिपेयर करवाए हैं, उसके बाद इसका टायर जो है ये चेंज करवाया है और स्टैंड चेंज करवाया है इसका, ठीक है। उसके बाद इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग करवाई है, इंजन का काम नहीं करवाया क्योंकि ये बहुत लंबा काम था और बहुत पैसों वाला था तो इतनी गुंजाइश नहीं थी पास, इसलिए इसको फिर पेंडिंग कर दिया है कि नेक्स्ट मतलब इंशाल्लाह 15-20 दिन तक जो है ना फिर वो इसको करवा लेंगे। बस ये छोटा मोटा काम भाई साहब इसका करवाया है, ठीक है। तो इसका तकरीबन 9,120 रुपये जो है ना वो खर्च हुआ है। तो अभी भाई साहब महंगाई की सूरत हाल जो है ना वो ये है कि ये जो टायर हमने नया डलवाया है ना इसमें, ये हमने 1800 रुपये का इससे पहले डलवाया था 1 साल पहले, तो 1 साल के बाद जनाब अभी ये डबल नहीं डबल से भी ऊपर चला गया, 4000 रुपये पहुँच गया है। तो कुछ इस तरह का सीन है, इसलिए फिर हमने मतलब कुछ काम करवाया इसका, कुछ नहीं करवाया। बस यही था भाई साहब आज का व्लॉग, इसको दी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, पसंद है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नीगेबान।